Now class, it's time to start our subject, EVS, next subject, okay? And in this time, you have to open this chapter of 16 chapter and topic is a busy month, page number 127. Clear? So let's start our this chapter, and this chapter name is a busy month, okay? एंड हियर बाल मंदिर भावनगर 13 अप्रैल 1936 में जो है ये लिखी थी. एंड किसने लिखी थी? गुज्जू भाई वेदका. ओके, गुज्जू भाई वेदका लिव्ड इन गुजरात, जो गुजरात में रहते थे. ही रोट मैनी स्टोरीज, उन्होंने बहुत सारी जो है स्टोरीज लिखी थी फॉर चिल्ड्रंस, आप जैसे बच्चों के लिए. इन दिस लेटर यू विल रीड अबाउट सम ऑफ द बर्ड दैट यू सी ऑल अराउंड. इस स्टोरी में हम क्या समझेंगे कि उन्होंने जो है क्या लिखा है, हमारे जो आसपास की चिड़ियाँ होती हैं उनके बारे में क्या लिखा है, इस लेटर में क्या लिखा है. ठीक है, आफ्टर रीडिंग दिस लेटर चिल्ड्रन शुड बी इंक्रेज. तो इसके बाद क्या होंगे, आप लोग इंक्रेज होंगे कि कैसे कैसे जो है आपको पता चलेगा कि बर्ड्स जो है कैसे कैसे क्या करती हैं, कितना हार्ड वर्क करती हैं. क्लियर, बर्ड्स क्या करती हैं? हार्ड वर्क करती हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती हैं बर्ड्स. अब आपको पता चलेगा कैसे कैसे बर्ड्स करती हैं, हार्ड वर्क करती हैं. वो नेस्ट बनाती है, ठीक है, कैसे कैसे नेस्ट बनाती है. कई बर्ड्स ना प्यारा नहीं, आप सोचो केवल वो अपनी बीक से करते हैं, ये सब कैसे करते हैं. लेट्स स्टार्ट अवर दिस चैप्टर. ओके, सो द चैप्टर नेम इज अ बिजी मंथ. अ बिजी मंथ, डियर चिल्ड्रन. ओके, इट इज 3 o'clock इन द आफ्टरनून. ये आफ्टरनून का टाइम है. देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई. ओके, देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई. ओके, सो द सन इज़ बर्निंग हॉट. सन बहुत ज़्यादा बर्न हो रहा है, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा. ओके, सो द स्पैरोज डव्स. ओके, एंड सन बर्ड, जो स्पैरोज हैं डव्स हैं सन बर्ड्स हैव स्टार्टेड वर्किंग इन पेयर्स. वो किस में काम कर रहे हैं? पेयर्स में, एज ए प्रिपेयर टू मेक देयर नेस्ट. और वो अपना जो नेस्ट है वो रेडी कर रहे हैं, ठीक है, प्रिपेयर कर रहे हैं. सम ऑफ द बर्ड्स हैव ऑलरेडी, कुछ बर्ड्स ने जो है पहले से ही अपना जो नेस्ट है वो रेडी कर लिया है. ओके, and the eggs have hatched. Has means, what is the meaning of has? Has means yes, जो अंडे निकलना होता है, मैंने आपको बताया भी था, आई हैव टोल्ड यू ऑल दिस थिंग. ओके, सो हैज मीन, जब अंडा जो फूटता है उसमें जो बेबी निकलता है, बेबी बर्ड निकलता है, दैट इज हैज, इट्स कॉल्ड हैज्ड. ओके, सो द पेरेंट्स बर्ड आर बिजी फीडिंग. जो पेरेंट बर्ड होती है वो बहुत बिजी होती है अपनी फीडिंग, मतलब बच्चों को खिलाने में, जो छोटे चिक्स होते हैं उनको खिलाने में. क्या खिलाते हैं? वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स. ओके, जो डिफरेंट काइंड्स के इंसेक्ट्स होते हैं उनको एंड अदर थिंग्स ऑल्सो. ओके, सो इन अवर कोर्ट यार्ड ऑल्सो देर इज अ बेबी डव. अगले साइड के था एक बेबी डव था. देर इज अनदर अनदर एग इन द नेस्ट. जो उसमें नेस्ट में जो अनदर क्या थे, अलग था, और उसमें क्या थे आपके, यस, नेस्ट में आपके एग था. बट इट हैज नॉट हैज डेट. बट वो क्या था? यस, उसमें वो हैज नहीं हुआ था. ओके, ओके, सो ऑन द वे टू गोपाल भाई हाउस देयर आर मैनी स्टोन्स. वहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स हैं अलॉन्ग द रोड साइड. ओके, रोड साइड की तरफ. एंड इन द स्पेस बिटवीन दीज स्टोन्स एंड इंडियन रॉबिन हैज लेड इट्स एग. देखिए क्लास, लुक एट दिस पिक्चर, दिस पिक्चर हियर, इंडियन रॉबिन. ठीक है, ये कौन सी बर्ड है आपकी? इंडियन रॉबिन. ओके, इसने जो है वहाँ पे जो है एक्सर के जो आपके बच्चू भाई हैं, सोड इट टू मी, उन्होंने मुझे दिखाया. ठीक है, बच्चू भाई जो थे, ठीक है, उन्होंने मुझे दिखाया. एंड आई लुक्ड थ्रू द बिनोकुलर्स, जो बिनोकुलर्स होती है ना दूरबीन, उससे देखा. आई सॉ द नेस्ट, मैंने नेस्ट देखा. वॉज मेड, ओके, वॉज मेड ऑफ ग्रास. किससे बने थे वो? ग्रास. ओके, वॉज मेड ऑन ग्रास. ऑन टॉप देयर वॉज सॉफ्ट ट्विग्स, जो थे टॉप साइड थे, एंड रूट्स. ओके, रूट्स, वूल, एयर एंड कॉटन वूल. दिस इज हाउ द इट्स मेक्स इज नेस्ट. से पता चलता है कि कैसे वो उन्होंने जो है अपना नेस्ट रेडी किया होगा. ओके, नाउ दिस इज हाउ द रॉबिन मेक्स. आप क्या भी सोचा होगा कैसे बनाती है वो. वट अ सॉफ्ट एंड, वट अ सॉफ्ट एंड कॉजी होम फॉर इट्स चिक्स. अपने बच्चों के लिए कितना सॉफ्ट एंड कैसा होम बनाती है कॉजी. ओके, एंड द रॉबिन इज नॉट, द रॉबिन इज नॉट लाइक टू लाइक द क्रो. ओके, रॉबिन जो है क्रो की तरह नहीं, क्रो नेस्ट इज में, जो क्रो का नेस्ट होता है वो कैसा होता है बेटा? वो होता है, ओके, इवन ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, इवन पीसेस ऑफ वायर एंड वुड से. ओके, आई सॉ अ बेबी बर्ड, जो मैंने देखा बेबी बर्ड इन द रॉबिन के नेस्ट में. इट वॉज, ओके,
इट वॉज सिटिंग विद विद इट्स बीक वाइड ओपन, वो क्या थे वहाँ बैठे थे ठीक है, विद इट्स बीक वाइड ओपन, उसकी जो बीक थी वो थोड़ी सी जो थी ओपन थी, द माउथ वॉज रेड, उनका माउथ जो रेड एंड फ्रॉम इन साइड से ओके, इन अ लिटिल वाइल, कुछ वाइल पहले थोड़ी देर बाद जो रॉबिन था वो फ्लू हो गया ओके, जो रॉबिन बर्ड वो थी वहाँ पे फ्लू हो गई टू द नेस्ट एंड पुट समथिंग, और वो कुछ अपने बच्चों के लिए समथिंग इन इट्स चिक्स ओपन बीक, उसमें कुछ डालने लगी थी ठीक है अपने बेबी बर्ड के, उसमें बी अ फ्यू स्मॉल इंसेक्ट्स, क्या डालने लगी थी स्मॉल इंसेक्ट्स ओके, बाय इट वॉज इवनिंग, जब इवनिंग हुआ था द रॉबिन सेटल्ड डाउन विद इट्स, वो उसके बाद अपने बच्चों के साथ बैठ गया था ठीक है, उसने अपने बच्चों के लिए फूड गैदर किया, उसके बाद वो उसके इनके साथ बैठ गया क्लियर। लुक एट दिस पिक्चर, दिस पिक्चर इज कोयल पिक्चर ओके, यू नो दैट द कोयल सिंग्स स्वीटली, सबको पता है कोयल बहुत सुंदर गाना गाती है ओके, एंड डू यू नो that this bird does not make its own nest, ये bird जो है बेटा अपना घोंसला नहीं बनाती है, कहाँ देती है ये सबको पता है, it lays its eggs in a crow nest, अपनी जो egg देती है वो crow के nest में, crow क्या करता है उनके बच्चों को भी और अपने बच्चों को भी देखता है, दोनों को बच्चों को जो है crow देखता है, कोयल के भी और अपने भी क्लियर। सो नाउ देयर इज अ स्मॉल ट्री नियर बाय, वहाँ पे एक और वहाँ पे एक क्या था स्मॉल ट्री था, उसके बाद आपको पता है जिसमें मैंने आपको बताया कि जो क्रो होता है वो क्या करता है अपने और कोयल के जो बच्चों की देखभाल खुद करता है क्लियर। नाउ लुक एट हियर, देयर इज अ स्मॉल नियर स्मॉल ट्री नियर, वहाँ पे जो है पास में क्या था ट्री था, कैसा ट्री था स्मॉल ट्री था ओके, इट हैज़ अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच, और इसमें जो एक छोटा जो नेस्ट होता है वो लटक रहा था ब्रांच पे, ट्री की जो ब्रांच होती है। बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट ओके, द क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री, द डव मेक इट्स नेस्ट अमंग द थोन्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट, जो क्या होते हैं बेटा जो क्रो ने जो बिल्ड्स किया था इट्स नेस्ट हाई, जो क्रो होता है वो अपना नेस्ट को जो कहाँ बनाता है ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर ठीक है, मतलब ट्री ऑन अ ट्री, ट्री के सबसे ऊपर हाई में ओके, द डव मेक्स के ऊपर थी इट्स नेस्ट अमंग द थोन्स ऑफ द कैक्टस, डव कैसे बनाती है अपने नेस्ट को अपने अमंग ऑफ थ्रोन्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट और अ मेहंदी है से ठीक है, जो कांटे वगैरह होते हैं उनसे ओके, कैक्टस प्लांट ओके। द स्पैरो कैसे बनाती है, स्पैरो करती है कैन बी फाउंड इन एन अराउंड योर ओन हाउस, वो क्या स्पैरो फाउंड करती है ऐसा घर बनाती है वो अपने के लिए जहाँ वो सुटेबल रहे, इट मेक्स इट्स नेस्ट एनी वेयर, वो कहीं भी अपना घर बना सकती है, ऑन द टॉप ऑफ द कबर्ड बिहाइंड अ मिरर ओके, ऑन अ लेज क्लियर। तो बच्चे जो स्पैरो बर्ड होती है वो कहीं भी अपना जो है घोंसला बना सकती है ठीक है, तो इट मेक इट्स नेस्ट एनी वेयर ओके, ऑन द टॉप और कबर्ड बिहाइंड अ मिरर ओके, सो एनी वेयर ऑन टॉप ऑफ अ कबर्ड बिहाइंड अ मिरर ऑन अ लेज, पिजन्स ऑल्सो मेक देयर नेस्ट लाइक दिस, और पिजन भी जो है सेम ऐसी बनाती है अपना वो ओके, ऑफन दे मेक नेस्ट इन ओल्ड और deserted buildings, the barbet and coppice में जो bird होती है can be heard in the summer, आपने सुना भी होगा summer में कैसे voice करती है tuk tuk okay, it makes it nest in a hole, वो क्या करती है अपनी जब hole बनाती है उसको कैसी voice आती है tuk tuk okay, in a tree trunk, क्यों क्या करती है ट्री ट्रंक में, ट्री जो ट्रंक होता है वहाँ पे, एंड द टेलर बर्ड क्या करती है यूजेस करती है इट्स शार्प ओके शार्प बीक, जिससे वो करती है अपने नेस्ट को क्या करती है स्टिच करती है, टू लीव्स ऑन अ बुश, लुक एट हियर दिस टेबल बर्ड ओके सॉरी टेलर बर्ड ओके, एंड इट ले इट्स एग्स इन द फोल्ड, अब जब वो बना लेती है ना पूरा घोंसला ओके, इस टाइप से जो है वो पूरा जो है इस टाइप से जो लीव्स होती है इधर भी लीव्स होती है इधर भी लीव्स होती है, तो इनको जो है स्टिच करती है इस टाइप से ठीक है, इन दोनों को इनको साइड में लिफ्ट करेगी और यहाँ पे क्या करेगी वो अपना एग देगी ओके, बिल्कुल सेफली करके ऑन टेलर बर्ड क्लियर। सो आप जो है उसमें वो करेगी उसमें जो अच्छे से अपने जब उसका घर रेडी हो जाएगा उसके बाद वो अपने जो है वहाँ पे ले करेगी ओके ले एग्स। सो द सन बर्ड लुक एट हियर दिस सन बर्ड ओके, दिस इज अ सन बर्ड, दिस इज अ सन बर्ड जस्ट वेट, सो दिस इज अ सन बर्ड ओके, सो द सन बर्ड मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और अ बुश, उसमें क्या होती है स्मॉल जो ट्री होता है उसकी ब्रांच में जो है ये अपना जो घोंसला है उसका हैंग्स होता है ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा बनाती है। द सेम इवनिंग टाइम ओके वी शॉ सन बर्ड, है उसने क्या करा सेम इवनिंग के टाइम पे उसने सन बर्ड जो सन बर्ड का जो नेस्ट था वो देखा, कैन यू गैस वॉट इस नेस्ट इसमें किससे बना होगा वो, क्या आपने सभी सोचा है, ऑफ द नेस्ट हैज एयर ग्रास देन ट्विग्स ड्राई लीव्स कॉटन वूल ओके बिट्स ऑफ ट्री बार्क
पीसेस ऑफ क्लोथ, रैक्स एंड इवन स्पाइडर कॉबवेब्स, ये सब जो है उसमें होते हैं बेटा. क्लियर? सो गॉट इट दिस थिंग?